Follow Amit on Instagram at the Changani THECHANGANI and Motoroids India to never ever miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोरॉइड्स में. मेरा नाम है अमित और किया सोनेट जो है ये मेरे ख्याल से इस साल की सबसे महत्वपूर्ण गाड़ियों में से है. इस गाड़ी का बहुत ही डिटेल्ड विश्लेषण हमने ऑलरेडी किया है. वहाँ पर हमारे पास जो नई 1 लीटर टर्बो वेरिएंट है उसका IMT और DCT वर्जन था और उस गाड़ी की एक एक डिटेल अंदर क्या है बाहर क्या है हर एक चीज़ हमने बड़ा ही डिटेल्ड लंबा वीडियो किया है. तो आप ज़रूर वहाँ जाइए और देखिए अगर आपको इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना है तो. लेकिन यहाँ पर है हमारे पास डीजल 80 वेरिएंट और हम इसे उस वीडियो के साथ मिलाना नहीं चाहते थे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता. तो इस डीजल 80 वेरिएंट का हमने अलग से यहाँ पर रिव्यू किया है. रिव्यू शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमें सब्सक्राइब कीजिए. मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दीजिए. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है द चंगानी THECHANGANI. मोटोरॉइड्स इंडिया को ज़रूर इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए. और चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर बाहर आपको चीज़ें कौन सी जाननी ज़रूरी है. अब जो डीजल 80 है ये आपको GT लाइन वेरिएंट में मिलेगा और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे डिफरेंस मिलेंगे टैक लाइन के ऊपर. जैसे कि ये जो ग्रिल है ये काफ़ी अलग है. यहाँ पर आपको ये रेड स्टड्स मिलेंगे जो वहाँ नहीं मिलेंगे. नीचे ये रेड हाईलाइट मिलेगी और ये जो स्किड प्लेट है यहाँ पर भी आपको ये टर्बो डिज़ाइन मिलेगी. तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये GT लाइन में है और डीजल 80 आपको GT लाइन में ही मिलता है. अब चूंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट हम यहाँ पे चला रहे हैं तो आपको ये ऑटो बैजिंग यहाँ पर नज़र आएगी. साथ ही GT लाइन में पेंटेड रेड कैलिपर्स और ये रेड व्हील हब कैप, रेड कलर की स्ट्राइपिंग नीचे डोर्स के और ये सिल्वर लाइनिंग, ये सारी चीज़ें आपको GT लाइन में मिलती हैं. उसके अलावा पीछे से अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ये जो पियानो ब्लैक फॉर डिफ्यूज़र जैसा एक जो लुक दिया गया है ये GT लाइन में मिलेगा और ये आपको टेक लाइन में नहीं मिलेगा. ये रेड हाईलाइट मिलेगी यहाँ पर, GT लाइन की बैजिंग मिलेगी. तो ये जो सारे चेंजेस हैं आपको GT लाइन में मिलते हैं और डीजल जो है ये GT लाइन में अवेलेबल है. बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सब कुछ आपको दूसरे वाले वीडियो में बता दिया है. अंदर भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस हैं और वो सारे बदलाव सारे वेरिएंट सब कुछ बिल्कुल सेम है जैसा कि आपको पेट्रोल GT लाइन में मिलता है. वहाँ पर कोई चेंज नहीं है. तो मैं इंटीरियर में भी आपको सब कुछ नहीं बताऊंगा, आप वो वीडियो ज़रूर देखिए. वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया है, एक एक फ़ीचर बताया है. तो आपसे दरख्वास्त है कि उस वीडियो के अंदर अगर आपको गाड़ी को अंदर और बाहर से पूरी तरह से समझना है तो आप वो वाला वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो हमें यहाँ पर जाननी है वो ये है कि ये डीजल इंजन कैसे काम करता है, यहाँ पर माइलेज कितनी है, एफिशिएंसी कैसी है, यह नया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कैसे काम करता है. तो चलिए देखते हैं कि ये गाड़ी कैसे चलती है. तो दोस्तों, किया सोनेट का ये जो डीजल इंजन विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हम लोग अभी चला रहे हैं ये कुछ खास है. और ये खास क्यों है, इसके कुछ कारण हैं. मैं आपको बताता हूँ कि ये कारण क्या है. सबसे पहला कारण ये है कि ये जो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो वेरिएंट है इस इंजन का, ये आपको ह्युंडई वेन्यू में नहीं मिलता है. यहाँ पर आपको पावर ज़्यादा मिलती है, टॉर्क ज़्यादा मिलती है और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर ये 6-speed ऑटोमेटिक मिलता है जो आपको वेन्यू में नहीं मिलता है. तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत विशेष है, न सिर्फ किया और ह्युंडई फैमिली में, लेकिन अगर आप बाकी सारे मॉडल्स भी देखेंगे इस सेगमेंट के अंदर तो यहाँ पर अगर डीजल के अंदर ऑटोमेटिक ऑप्शन है भी आपके पास तो AMT तौर पर है. एक प्रॉपर ऑटोमेटिक आपको और किसी भी मॉडल में नहीं मिलता है. ये जो गाड़ी है इसलिए खास है कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर स्मूथ एडवांस्ड ऑटोमेटिक मिलता है. अब ये जो वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो वेरिएंट है यहाँ पर आपको 115 PS की पावर मिलती है और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है. अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये सेगमेंट का सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क है. अगर आप देखने जाएंगे तो XUV300 जो है उसका डीजल इंजन यहाँ से भी ज़्यादा पंची है, लेकिन ये भी सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा टॉर्की इंजन्स में से एक है. और इसके अलावा यहाँ पर जो लोअर स्पेक डीजल मिलता है आपको, जो वेस्ट गेट टर्बो वेरिएंट मिलता है, वहाँ पर आपको 100 PS का पीक पावर मिलता है और जो टॉर्क है वहाँ पर 10 न्यूटन मीटर्स लेस मिलती है. वहाँ पर आपको 240 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क मिलती है. पावर यहाँ पर जो है ये 4000 RPM पर बनती है. पीक जो इसकी पावर है 115 PS की और जो पीक टॉर्क है वो बहुत लो 1500 RPM से लेकर के 2750 RPM के बड़े वाइड और हेल्दी बैंड के बीच में बनती है, जिससे कि इसकी ड्राइवेबिलिटी अच्छी हो जाती है. वैसे आपको उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर आपके पास में ऑटोमेटिक है. तो अब ये जो इंजन है इसकी फ्यूल एफिशिएंसी ARAI सर्टिफाइड जो आपको मिलेगी वो है 19 किलोमीटर्स पर लीटर और हमने आज इसे टेस्ट किया और सिटी में आपको लगभग 14 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी.
और हाईवे पर अगर आप चला रहे हैं तो आपको जो ARAI सर्टिफाइड एफिशिएंसी है 19 KMPL की वो बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर आप बिल्कुल लाइट फुट के साथ चलाएंगे तो ये फ्यूल एफिशिएंसी 1 किलोमीटर पर लीटर से एक्सीड होकर के 20 तक भी आपको मिल सकती है अगर आप एक बड़े ओपन हाईवे के ऊपर हल्के राइट फुट के साथ चला रहे हों। एक और जो अच्छी चीज़ यहाँ पर है वो ये है कि आपको जो एक्सेलरेशन है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। जो ऑटोमेटिक 80 वेरिएंट है यहाँ पर, इसमें आपको 11.8 सेकंड्स का 0 to 100 स्प्रिंट टाइम मिलता है जो काफ़ी क्विक है मेरे ख्याल से। और अगर आप इसे कंपेयर करें जो मैनुअल ट्रांसमिशन है तो वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा 12.3 सेकंड्स 0 to 100 का टाइम मिलता है, तो इसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा है। ये जो नया डीजल इंजन का वेरियंट है ये काफ़ी लीनियर है। पहले जो डीजल इंजन आते थे उसमें एक बड़ा प्रोनाउंस्ड टर्बो किक होता था जिससे कि कुछ लोगों को उसमें मज़ा भी आता था क्योंकि 2000 RPM पर जब एक किक मिलता था तो उनको वो जो एक सीट ऑफ पैंट्स एक्सपीरियंस था उसमें मज़ा आता था। लेकिन प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, लो स्पीड ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से जो लीनियर इंजन होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपको नीचे भी टॉर्क मिलना चाहिए। एक 2000 RPM के बाद ही अगर आपको टॉर्क मिले तो गियर शिफ्ट ज़्यादा करने पड़ते थे, तो उस हिसाब से अब जो नए डीजल्स आ रहे हैं काफ़ी लीनियर हैं और ये भी बहुत लीनियर, बहुत ही स्मूथ इंजन है। यहाँ पर जो पुराने डीजल्स में ग्रफनेस होता था, गंदी आवाज़ होती थी, वो भी नहीं है, बड़ा स्मूथ, बड़ा क्वाइट इंजन है। तो ये एक एडवांसमेंट है जो करंट फैमिली है Hyundai किया के जो डीजल इंजन्स हैं उनका जो ग्रुप है उसके बीच में शेयर्ड है, वहाँ पर ये जो डीजल इंजन है एक एडवांसमेंट है। अब ये जो ट्रांसमिशन है इसके साथ ही इंजन कैसे काम करता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने इसे मैनुअल मोड में डाल करके भी इसके ज़रा गियर स्पीड देखे कि ये इंजन कैसे बिहेव कर रहा है, ट्रांसमिशन कैसे बिहेव कर रहा है। गियरिंग ज़रा शॉर्ट साइड पर है और पहले गियर में आपको 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिलती है, उसके बाद अपशिफ्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद सेकेंड गियर में आप लगभग 65 किलोमीटर पर आर तक पहुँचते हैं और थर्ड गियर में आप 100 से ज़रा शॉर्ट 96 किलोमीटर पर आर तक की स्पीड पर पहुँचते हैं। मेरे ख्याल से गियरिंग ज़्यादा टॉल होती तो इसका 0 to 100 टाइमिंग भी ज़रा इम्प्रूव हो सकता था, लेकिन ओवरऑल शिकायत करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे, बहुत ही स्मूथली ये गाड़ी आगे बढ़ती है। और एक और जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता था वो ये है कि बहुत लो एंड RPM पर भी ये गाड़ी मूव करती रहती है। ऐसा नहीं है कि जैसे डीजल्स में जनरली बहुत लो RPM पर जाने के बाद में जो इंजन है इसकी टेंडेंसी होती है टू कॉल फॉर डाउनशिफ्ट, वहाँ पर वो ब्रेथलेस हो जाता है, लेकिन ये 1000 RPM तक भी आपको डाउनशिफ्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट नहीं करता है। तो जो डाउनशिफ्ट है वो जब तक 1000 RPM तक नहीं जाएगा आपका टैको नीडल तब तक डाउनशिफ्ट नहीं होगा। ओवरऑल बड़ा ही स्मूथ इंजन है और ये एक प्रॉपर टॉर्क कन्वर्टर ऑटो है। यहाँ पर आपके पास ये मैनुअल मोड भी है, स्पोर्ट मोड जैसा यहाँ पर कोई अलग से यहाँ पर मोड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ट्रांसमिशन को ज़रा क्विक करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्राइव मोड सेलेक्ट करके आप स्पोर्ट मोड भी सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर जो शिफ्ट पॉइंट्स हैं ये ज़रा ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है ट्रांसमिशन। आप चाहें तो इको यूज़ कर लें, यहाँ भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, ट्रैक्शन मोड्स मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपके पास में मौजूद हैं। और पार्ट थ्रॉटल जब आप देते हैं, जब आप ज़ोर से पैडल नहीं मारते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी आपको दिखेगा कि अपशिफ्ट हो रहे हैं ताकि फ्यूल एफिशिएंसी आपको बेहतर मिले। एकदम सीमलेसली जर्क फ्री तरीके से यहाँ पर आपको गियर शिफ्ट्स होते हुए महसूस होंगे और काफ़ी स्मूथ, काफ़ी प्रैक्टिकल, बहुत ही शांत, जिस तरह का एक प्रॉपर मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होना चाहिए वैसा है। अब कहने को तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो रेड लाइन है ये 4500 RPM पर है, लेकिन जब आप इसे मैनुअल मोड में डाल देते हैं और इसे आप ज़ोर से रेव करते हैं तो देखिए 4200 RPM के आसपास आपका अपशिफ्ट होता है। तो जब आप इसे मैनुअल मोड में चलाते हैं तो ये रेव्स पे होल्ड ऑन करके नहीं रखता है, 4200-4300 RPM के आसपास ये अपशिफ्ट कर देता है। अब कुछ और जो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो नॉइज़ है ये बहुत अच्छे से कंट्रोल्ड है। डीजल इंजन्स जनरली पेट्रोल से ज़रा ज़्यादा नॉइज़ी होते हैं और जब आप 3500 RPM क्रॉस करते हैं तब भी इंजन ज़रा नॉइज़ी होता है। इसका जो अच्छा परफॉर्मेंस है, सॉलिड परफॉर्मेंस आपको 4000 RPM तक मिलेगा, उसके बाद ज़रा स्लो हो जाती है प्रोग्रेस। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इस डीजल के बारे में आप जानना चाहेंगे वो ये है कि ये जो राइड क्वालिटी है इसकी, मैंने मेरा जो प्रॉपर रिव्यू है जिसमें मैंने पूरी गाड़ी के बारे में सब कुछ आपको बताया है, वहाँ पर ये भी बताया है कि इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी और जो सस्पेंशन सेटअप है वो इसका एक थोड़ा सा लो पॉइंट है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हाईली स्कोर नहीं करती, लेकिन यहाँ पर वज़न ज़्यादा होने के कारण जो डीजल 80 वेरियंट है इसकी राइड क्वालिटी जो करस्पॉन्डिंग पेट्रोल वेरियंट्स हैं उनसे ज़रा ज़्यादा बेहतर है। ये ज़्यादा कंपोज लगती है और जो ख़राब रास्ते होते हैं उस पर ज़रा बेहतर चलती है।
जो इनहेरेंट बाउंसीनेस आपको पेट्रोल इंजन में मिलती है उससे यहाँ पर आपको ज़रा कम बाउंसीनेस मिलती है, तो ये भी एक बड़ा डिफरेंस है। स्टीयरिंग में भी आपको ज़रा ज़्यादा फील मिलता है क्योंकि सामने वजन ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल ये स्टीयरिंग फिर भी इनर्ट है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्विंग स्टीयरिंग नहीं है। आप स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो वेट आ जाता है स्टीयरिंग में, लेकिन जो एक डायरेक्ट फील है वो यहाँ पर भी नहीं है। लेकिन एक कंफर्टेबल तौर पर अगर आपको चलाना है, अगर आराम से आपको चलाना है और अगर आपको एक बहुत ही स्पोर्टी गाड़ी नहीं चाहिए तो यहाँ पर शिकायत करने जैसा कुछ भी नहीं है। ओवरऑल इस सेगमेंट के लिए अगर आप देखने जाएँ तो ये जो डीजल ऑटोमेटिक है ये सबसे एडवांस कॉम्बिनेशन है इंजन ट्रांसमिशन का। आप चाहें तो जो लोअर वर्जन है इसका वो भी ले सकते हैं, वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी आपको ज़्यादा मिलेगी। वहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है आपको 6 स्पीड का और वहाँ पर फ्यूल एफिशिएंसी है 24.1 KMPL, जो कि एयर के हिसाब से 5.1 KMPL ज़्यादा है, तो आप उसके साथ भी जा सकते हैं। बट अगर आपको एक बड़ा ही रिफाइंड कम्फर्टेबल और सोफिस्टिकेटेड इंजन ट्रांसमिशन डीजल कॉम्बो चाहिए तो ये जो गाड़ी है ये स्टैंड आउट किस्म की गाड़ी है इस सेगमेंट में, और इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको और किसी भी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों कीमतें इस गाड़ी की अभी तक अनाउंस नहीं हुई हैं, ये एक प्री लॉन्च ड्राइव है तो हमें कीमतों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर आप इसका जो सिबलिंग है इसी ग्रुप कंपनी का जो दूसरा मॉडल है जो Hyundai Venue है उसकी कीमतें अगर आप देखें तो वहाँ पर आपको 8 लाख रुपीज़ से 11.5 लाख रुपीज़ तक की रेंज में डीजल इंजन्स अवेलेबल हैं एक्स शोरूम, लेकिन यहाँ पर ये जो डीज़ल है जो 115 PS वाला डीज़ल है ये ज़्यादा आधुनिक है, ये ज़्यादा पावरफुल है और यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक भी है। तो मेरे ख्याल से जो बेसिक WGT वाला डीज़ल इंजन है वहाँ पर कीमतें आपको 8 लाख रुपीज़ से ही शुरू होंगी, 10-20 हज़ार रुपये का डिफरेंस हो सकता है मेरे ख्याल से। लेकिन जो टॉप ऑफ द लाइन डीजल वेरियंट है इसकी कीमत डेफिनेटली Venue से ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिक है और ये इंजन भी ज़्यादा बेटर है। और मेरा मानना है कि एक्स शोरूम कीमत इस डीजल ऑटोमेटिक की 12.5 लाख रुपीज़ तक जा सकती है, तो जो ओवरऑल रेंज है डीजल इंजन्स की ये मेरे ख्याल से 8 टू 12.5 लाख रुपीज़ की होगी किया सोनेट में, और ये मेरा अंदाज़ा है, मैं इससे पक्के तौर पे नहीं कह सकता, लेकिन मेरे ख्याल से इससे बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होगा, 10-20 हज़ार रुपया इधर उधर होगा। तो ये जो कीमतें हैं अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आपको डेफिनेटली रुकना चाहिए जब तक ये गाड़ी लॉन्च ना हो जाए, लॉन्च होने के बाद में भी डेफिनेटली ये रिव्यू आपके लिए यूज़फुल रहेगा। लेकिन करंट कॉन्टेक्स्ट में, करंट परिप्रेक्ष्य में अगर आपको एक डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो किया सोनेट मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। इसके जितना अच्छा पावरफुल डीजल जो कि एक अच्छे आधुनिक ऑटोमेटिक के साथ में मेटेड हो आपको फ़िलहाल नहीं मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो के द्वारा आपको किया सोनेट डीजल ऑटोमेटिक से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए थी सारी मिली, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटोरॉइड्स को, हमें इससे बड़ा सपोर्ट मिलता है। अगर आप हमारे करंट सब्सक्राइबर भी हैं तो वहाँ ऑप्शंस में जाकर के ऑलवेज़ वाला बटन दबा दीजिए बेल नोटिफिकेशन आइकन पर, ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, मेरी आईडी है दछंगानी THECHANGANI। और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।